आज हम आपको बताते हैं भट्टियां फर्नेसेस। तो अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण में जो भट्टियां प्रयुक्त की जाती हैं उनमें से एक भट्टी है परावर्तनी भट्टी, रिवर्बरेटरी फर्नेस। इसमें देखें ये जो चित्र बना हुआ है ये परावर्तनी भट्टी का चित्र है। इसमें आप ये देख रहे हैं हॉपर है, ऊपरी भाग है, इससे जो है चार्ज यानी घान को डाला गया है। ये ट्वीयर्स हैं, ट्वीयर्स के द्वारा जो है वाइप के झोंके झोंकों को अंदर भेजा जाता है, ये ट्वीयर पड़े हुए। ये फायर बॉक्स है यानी अग्नि स्थान है, इसमें ईंधन रखा हुआ है। ये हर्थ यानी चूल्हा या भट्टी का तल है, इसमें जो है जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उस पदार्थ को रखा जाता है और जो पदार्थ होता है उसको आप चार्ज कहते हैं। और ये देख रहे हैं चिमनी, इसके द्वारा जो वेस्टेज गैसें होती है वो बाहर निकलती है। तो परावर्तनी भट्टी के लिए आप ध्यान से समझे जरा, परावर्तनी भट्टी जो होती है वो अग्निशय ईंटों की बनी होती है, यानी ऐसी ईंटें होती हैं जो अग्नि को बर्दाश्त कर लेती हैं। और इस भट्टी के तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है अग्निस्थान यानी फायरप्लेस, दूसरा होता है भट्टी का तल या चूल्हा जिसे हर्द कहते हैं, तीसरा जो है चिमनी। ये जो है तीसरा पार्ट है चिमनी। तो ये अग्निस्थान यानी फायर बॉक्स, ये भट्टी का तल या चूल्हा हर्द, और ये हो गया चिमनी। अग्नि स्थान में ईंधन को रखा जाता है, फ्यूल रखा जाता है यहाँ पर, और भट्टी का तल या चूल्हा इसमें चार्ज को रखा जाता है, यानी जिस पदार्थ को गर्म करते हैं उसको जो है भट्टी का तल या चूल्हे में रखा जाता है। अब होता क्या है, चिमनी से व्यर्थ गैसें तो निकलेंगी, तो ईंधन को जब जलाते हैं तो गर्म गैसें ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं जो कि भट्टी की छत से विक्षेपित होकर अर्थात परावर्तित होकर चार्ज को गर्म करती है। जब चार्ज गर्म हो जाता है तो व्यर्थ गैसें होती हैं वो चिमनी की सहायता से बाहर निकल जाती हैं। परावर्तनी भट्टी का जो उपयोग है वो सल्फाइड अयस्कों के भर्जन प्रक्रिया में किया जाता है, यानी रोस्टिंग प्रोसेस जो है परावर्तनी भट्टी में होगा, और इसमें जो है भर्जन की प्रक्रिया जो है होगी। इसके अलावा भी प्रगलन भी प्रक्रिया इसमें की जा सकती है, लेकिन जो मुख्य है वो जो है भर्जन प्रक्रिया यानी प्रोसेस है। ये समझ में आ गया होगा। सेकंड है मफल फर्नेस यानी मफल भट्टी। ये एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है दो चिमनियां लगी हुई हैं, और इस भट्टी में जिस पदार्थ को गर्म करना होता है यानी जो चार्ज होता है जिसको आप घान बोलते हैं, तो जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उसे सीधे ईंधन गर्म गैसों और ज्वालाओं के संपर्क में नहीं रखा जाता, यानी चार्ज को जो है हम किसमें रखेंगे, मफल में। ये जो आप देख रहे हैं ये जो कक्ष बने हुए हैं इनको बोलते हैं मफल। अब ये जो मफल है इसके अंदर चार्ज को रख दिया गया है, यानी जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उसे चार्ज कहते हैं, और चार्ज को जो मफल के अंदर रख देते हैं। और मफल किसे कहते हैं, यानी अग्निशय ईंटों के बने हुए जो कक्ष होते हैं इसी को कहते हैं मफल। तो इसमें जो है पदार्थ को जो है अग्निशय ईंटों के बने कक्षों में रख देते हैं जिसे मफल कहते हैं। तो जब ईंधन को जलाते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ईंधन रखा गया है, एयर यहाँ से पास की जा रही है, जब ईंधन को जलाते हैं तो गर्म गैसें ज्वालाएं निकलती हैं, और ये गर्म गैसें ज्वालाएं जो निकलती हैं तो इससे जो मफल यानी ये जो कक्ष बने हुए हैं ये गर्म हो जाते हैं। जब मफल गर्म हो जाता है तो इसके अंदर रखा हुआ चार्ज वो भी गर्म हो जाता है। अब चार्ज जब गर्म हो जाता है इसके पश्चात व्यर्थ गैसें जो होती हैं वो चिमनी की सहायता से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से जो भी इसके अंदर जो है अयस्क रखा गया है वो जब गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाने के पश्चात ये देख रहे हैं आप जो यहाँ से मेल्ट करता हुआ ये बाहर निकल आता है, ये देख रहे हैं मेल्ट करता हुआ बाहर निकल आता है। इस भट्टी का जो उपयोग है जिंक धातु के निष्कर्षण में किया जाता है, क्योंकि जिंक धातु जो होती है उसको जो है ईंधन गर्म गैसों और ज्वालाओं के सीधे संपर्क में जब रखते हैं तो वो जो है मेटल खराब हो जाती है, इसलिए जिंक धातु के निष्कर्षण में इस भट्टी का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे ये वात्य भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस। वात्य भट्टी का उपयोग जो है वो आयरन कॉपर आदि धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो ये जो वात्य भट्टी का चित्र बना हुआ है इसमें आप देखें वात्य भट्टी का ये जो ऊपरी भाग है ये क्या है, हॉपर है, ऊपरी भाग हॉपर।
ये मध्य का जो भाग है यहां से लेकर यहां तक, ये जो मध्य का भाग है वो बॉडी व बॉस है। तो ये जो लंबा भाग होता है ये बॉडी कहलाता है, और ये छोटा सा भाग देख रहे हैं ये बॉस कहलाता है, और बॉस में ही ये ट्यूयर लगे। और तीसरा भाग भट्टी का जो है, सबसे नीचे का जो भाग है ये भट्टी का तल या चूल्हा यानी हर्थ है। ये निचला भाग जो है भट्टी का भाग जो है ये चूल्हा कहलाता है। तो वात्य भट्टी का जो उपयोग है वो आयरन कॉपर आदि धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। वात्य भट्टी की जो लंबाई है वो 25 से 60 मीटर होती है, और जो इसका व्यास होता है वो 8 से 10 मीटर का होता है। वात्य भट्टी के तीन भाग होते हैं, एक ऊपरी भाग हॉपर, और जो मध्य का भाग है वो बॉडी बॉस, और तीसरा भाग जो है ये निचला भाग जो होता है ये भट्टी का तल या चूल्हा ये कहता है। हॉपर वाले भाग में समझ लें, हॉपर वाले भाग में चार्ज यानी घान को डाला जाता है, और ये जो है कप व कोन जो लगे हुए हैं इससे होता हुआ ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और निम्न ताप से उच्च ताप पर गर्म होता है। मध्य का भाग जो होता है ये बॉडी और बॉस होता है, ये दो कोनों से मिलकर बना होता है। लंबा कोन बॉडी कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ पे जो ये बॉडी कहलाता है, और छोटा कौन जो होता है ये बॉस कहलाता है, और बॉस में ही ट्यूयर लगे होते हैं। ये बॉडी और बॉस जो होता है इसका बाहरी स्तर जो होता है स्टील की प्लेटों का बना होता है, और अंदर की ओर जो होता है वो अग्निशय ईंटों का स्तर लगा होता है। बॉडी के ऊपरी भाग से व्यर्थ गैसें जो है बाहर निकलती है, वेस्टेज गैसें जो है बॉडी के ऊपरी भाग से बाहर निकल जाती है। ये भट्टी का जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं तल है, ये भट्टी का जो तल है यानी चूल्हा जिसको कहते हैं, इसमें जो है पिघली हुई धातु सबसे निचली सतह पर एकत्रित होती है, और पिघली हुई धातु के ऊपरी सतह पर स्लैग यानी गलित धातुमल एकत्रित होता है। गलित धातुमल हल्का होता है, इसलिए ये जो है पिघली हुई धातु के ऊपरी सतह पर होता है, और पिघली हुई धातु नीचे हो जाती है। ऊपरी निकास द्वार चूल्हे के यानी जो हर्थ है उसके ऊपरी निकास द्वार से जो है गलित धातुमल को बाहर निकाल देते हैं, और पिघली हुई धातु जो मेटल होती है मोल्टेन मेटल होगी उसको जो है चूल्हे के निचले भाग से प्राप्त कर लेते हैं। ये जो लगे हुए हैं हॉट एयर ब्लास्ट यानी गर्म वायु के झोंकों को जो है ट्यूयर के द्वारा अंदर की ओर भेजा जाता है। ये बात आपको जो है समझ में आ गई होगी कि वात्य भट्टी का जो उपयोग है वो किसमें करेंगे, वो आयरन कॉपर धातुओं के निष्कर्षण में करेंगे। और वात्य भट्टी के तीन पार्ट होंगे, आपको पता है हॉपर ऊपरी भाग, मध्य का भाग बॉडी और बॉस, और निचला भाग चूल्हा, ये आपको समझ